अर्ज किया है दोस्तों, कोई दीवाना कहता है, कोई परवाना कहता है, और फिर भी नहीं सुधर रहा तू नास पिट्टे। अरे भाई बहुत बढ़िया, बजाओ तुम भी, बजा तुम भी ताली बजाओ, तुम भी बजाओ भाई, करो जो करना करो। मुझे क्या भाई, तुमको कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। अब ये इधर उधर की चीज इंस्टॉल करके क्या फायदा है दोस्तों, हैं? आप सबको ही पता है, मुझे पता है, मेरे पड़ोसियों को पता है, आपके बगल वाले को पता है भाई, दूसरा थर्ड पार्टी टूल यूज नहीं करना चाहिए। कितनी बार बताऊं आपको, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे प्यारे भाई बंधु जो हैं अच्छे खासे इंस्टॉल करते हो, भाई जो थर्ड पार्टियां बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए, जो वो भी प्रूफ के साथ लेके आया मैं दोस्तों आज। जो थर्ड पार्टी टूल का नाम आपको पता होगा, जो कीबोर्ड यूज करते हो, इसमें टाइप करते हो, अपना पासवर्ड टाइप करते हो, सारा कुछ, ईमेल एड्रेस, सारा कुछ, बैंक अकाउंट का डिटेल तक टाइप करते हो भाई, आपको तो कोई चीज अच्छी लगती नहीं है। मतलब जो कंपनी ने दे रखी है वो वाला जो कीबोर्ड डिफॉल्ट रहता है उसको तो आप यूज करना ही नहीं, आपको भाई आपको तो एक्स्ट्रा कीबोर्ड यूज करना है, सब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज मतलब उसमें था, क्यों नहीं यूज करोगे भाई, उसमें इसमें कलर अच्छा है, इसमें वैसा अच्छा है, क्या करें भाई। जो आपको तो पता होगा जो AI कीबोर्ड है दोस्तों, आपको पता है गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल है, आप जाके सर्च भी कर सकते हो। इंस्टॉल मत करना भाई, सर्च करना खाली, बता दे रहा हूँ, सर्च करना, जाके देखना कीबोर्ड जो है, मतलब उसमें मतलब प्रूफ के साथ लेके आया, ऐसा नहीं कि ऐसे ही बोल रहा हूँ, प्रूफ के साथ लेके आया हूँ। जो है AI जो कीबोर्ड है दोस्तों, 40 मिलियन यूजर, 41 से 43 इतने मिलियन यूजर, बट 5 दिसंबर 2017 में दोस्तों इसके 31 से 30 तक मतलब इसके जितने सारे यूजर थे उनका डेटा लीक हो गया था भाई। बहुत बढ़िया, तो अपने फोन को गैलरी खोले तो भाई बूढ़ा हो जाए, जिंदगी बीत जाए खोलते खोलते पासवर्ड में, तुम अपना सिस्टम को ही मतलब ऐसे ही खुला छोड़े बिना पासवर्ड, वो बिना पासवर्ड छोड़े दोस्तों, ऐसे ही खुला है। मतलब उस AI कीबोर्ड बोलता है कि हम लोग किसी भी जो टाइप करते हो आप उसको कॉपी नहीं करते, हम मेमोराइज नहीं करते, याद रख नहीं करते, मतलब लेकिन वो याद रखते हैं दोस्तों, जितना भी कुछ करते हो, पासवर्ड टाइप करते हो कुछ भी, तो वो याद करके अपने सर्वर में स्टोर रहता है वो वाला, तो उनका डेटा सारा लीक हो गया सब चीज। अब देखो क्या करें, आपका कुछ हो नहीं सकता, क्या करें। मैं कुछ बताना जरूरी था कि भाई मेरे कोई कीबोर्ड से किसी से कोई कंपनी से दुश्मनी है नहीं, मैं बताना चाहता हूँ, मेरा भाई बंधु हाथ जोड़ के है, थर्ड पार्टी जो रहता है कोई भी चीज, चाहे कीबोर्ड हो, एप्स हो, मोड हो, कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना चाहिए भाई। डिफॉल्ट में कोई प्रॉब्लम है क्या आपको, क्या समझो, कितना समझा समझा के थक गया भाई। डिफॉल्ट हमेशा यूज करो। कीबोर्ड के बारे में सुना हुआ आपने, स्विफ्ट कीबोर्ड जो है उसमें भी सेम चीज हुआ है, ये लोग का भी डेटा बहुत क्या हो रहा है, डेटा लीक तो हुआ नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट ने जब से इसको मतलब खरीदा है डेटा लीक नहीं हुआ है। क्या होता है, मेरा जो ईमेल आईडी में टाइप किया ना, वो दूसरे किसी के सजेशन में शो करता है भाई, क्यों क्यों भाई, तुम मेरे कुछ लगते हो क्या, उसमें सजेशन देते हो मेरे, ना मेरा कुछ इससे लेना देना है ना कुछ है भाई, इसको सजेशन में मेरा ईमेल आईडी क्यों आएगा, अजीब है भाई। मैं सजेशन बिल्कुल ध्यान में रखिए, जो AI का कीबोर्ड है या स्विफ्ट कीबोर्ड है और कोई भी एक्स्ट्रा कीबोर्ड हो यूज मत करो भाई। डिफॉल्ट में क्या तकलीफ है, तुमको अच्छा खासा दिया है सारा कुछ, इसमें स्टोरेज है, कोई लीक वगैरह होता नहीं आज तक। आज तक जितने सारे फोन जहां से स्मार्टफोन का शुरू हुआ है आज तक डिफॉल्ट में एक प्रॉब्लम नहीं निकला, थर्ड पार्टी में ही निकलता है सारा प्रॉब्लम, तो ध्यान में रखिएगा, थर्ड पार्टी की यूज बिल्कुल ही मत कीजिएगा दोस्तों। अब आपके ऊपर है, प्लीज इंस्टॉल मत कीजिएगा। और होप ये जो थर्ड पार्टी के बारे में बताया हूं, तो जो काले कलर का ब्लू बटन है, सॉरी ग्रे बटन है उसका, काला पीला नीला जो आपका मन करे कर देना, और दिल में जरूर कुछ हो तो कमेंट में जरूर बता देना, दिल में कुछ मत लिखना, कमेंट में बता दो जो आपको बोलना है, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना मेरे वीडियो को, और मेरे नए दोस्तों को निवेदन है कि हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।